दोस्तों Vivo V25 सीरीज को लेकर इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हाइप मची हुई है कि भैया इसमें हमें स्नैपड्रैगन 870 चिपसेट देखने को मिलेगा, डायमेंसिटी 8100 चिपसेट देखने को मिलेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ Vivo V25 सीरीज के बारे में कि आखिरकार इसमें हमें क्या कुछ माल मसाला देखने को मिलने वाला है, इसकी प्राइसिंग जो है इंडियन मार्केट में हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाली है, और ये स्मार्टफोन आखिर कब तक इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा बताऊंगा। इन टोटल आज की इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ Vivo V25 सीरीज से रिगार्डिंग, तो वीडियो में तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों, ये सबसे पहले मैं आपसे क्लियर कर देता हूं कि आखिरकार Vivo V25 सीरीज में कितने स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं। तो यहां पे दो स्मार्टफोन लॉन्च होंगे, Vivo V25 एंड Vivo V25 Pro, एंड दोनों के दोनों जो है 5G स्मार्टफोन होने वाले हैं। अब चलिए मैं आपसे बात कर लेता हूं यहां पे स्पेसिफिकेशन के बारे में दोनों के। सबसे पहले तो यहां पे दोस्तों आपको Vivo V25 में एक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। अब रिफ्रेश रेट की बात करते हैं, 60 हर्ट्ज का होगा या फिर 90 हर्ट्ज का, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, बट हाँ 60 या फिर 90 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा V25 में। वहीं पे V25 Pro की बात करें तो यहाँ पे जो आपको 120 हर्ट्ज का कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। वहीं पे अगर हम सेल्फी कैमरा की बात करें तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिलने वाला है दोनों ही स्मार्टफोन में। बैक की तरफ बात करें तो V25 में जो आपको प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, जहां पे आपको OIS देखने को मिलेगा, एंड सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का होगा। वहीं पे V25 Pro में जो प्राइमरी कैमरा वो देखने को मिलेगा 50 मेगापिक्सल का, जो कि OIS के साथ में आएगा, एंड सेकेंडरी कैमरा होगा 12 मेगापिक्सल का, जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ में आएगा, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का चिप दिया जाएगा। अब यहाँ पे बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो Vivo V25 में जो आपको 4500mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, एज वेल एज V25 Pro में भी आपको यही मिलेगी 4500mAh। बट अगर हम चार्जिंग स्पीड की बात करें तो V25 में आपको 66W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा, वहीं पे V25 Pro में जो है आपको 80W का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। अब प्रोसेसर, जिसके लिए आप सभी वेट कर रहे थे कि भैया प्रोसेसर कौन सा होने वाला है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे लिस्टिंग पे ऐसा पकड़ा गया है कि जो Vivo V25 है उसमें आपको MediaTek की तरफ से Dimensity 900 चिपसेट देखने को मिलेगा, और यहाँ पे V25 Pro है वहाँ पे आपको Dimensity 1300 चिपसेट देखने को मिलेगा। तो अगर ऐसा लीक और रूमर्स निकल कर आ रहे हैं कि 870 होगा या फिर Dimensity 8100 होगा, तो भैया ये हजम होने जैसी बात नहीं मुझे भी लग रही है, क्योंकि V25 सीरीज इतना बड़ा जंप लेकर मुझे नहीं लगता है आएगा। और Vivo को हिस्ट्री को देखते हुए मुझे भी यही लग रहा है कि Dimensity 900 एंड Dimensity 1300 में देखने को मिलेगा। देखिए स्नैपड्रैगन 870 एक समय के लिए मैं मान सकता हूँ V25 Pro में, बट Dimensity 8100 चिपसेट मुझे मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है, मुझे हजम ही नहीं हो रहा है। खैर, यहाँ पे आपको दोनों ही स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएंगे, 3.5mm जैक दोनों स्मार्टफोन में से मिसिंग होने वाला है इस बार। यहाँ पे आपको डुअल स्पीकर भी देखने को मिल जाएंगे, एंड ये स्मार्टफोन ऑब्वियस एंड्रॉइड 12 आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेंगे। ये रही पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशन निकाली Vivo V25 सीरीज की। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ इसके लॉन्च डेट और प्राइसिंग क्या होने वाली है। तो दोस्तों देखिए, इसका लॉन्च डेट जो है 3rd week of August ऐसा बताया जा रहा है, कि 2nd week के लास्ट में या फिर 3rd week के शुरुआत में ये स्मार्टफोन जो आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। और अगर मैं आपसे प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो जो Vivo V25 है वो तकरीबन 30-32 हज़ार के आसपास आएगा, और जो V25 Pro है और 30-40 हज़ार के आसपास आएगा। अब भैया इस प्राइस रेंज को कैसे जस्टिफाई करेगी Vivo, मेरे समझ में नहीं है, पल्ले नहीं पड़ रहा है कि 30 हज़ार में Dimensity 900 और 40 हज़ार के आसपास Dimensity 1300 कैसे देगी, मेरे पल्ले बिल्कुल ये भी नहीं पड़ रहा है। तो क्या कुछ होगा यहाँ पे, जब लॉन्च होगा तो पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी, बट मैं आपको यही कहूँगा कि वेट करो इस स्मार्टफोन को लॉन्च के लिए, एक बार प्राइसिंग वगैरह बाहर निकल कर आ जाएगी, कंफर्म स्पेसिफिकेशन बाहर निकल कर आ जाएगी, देन मैं यहाँ से आपको फ्रैंक ओपिनियन दे पाऊंगा। और जो ही मैंने स्पेसिफिकेशन आपको बताई ये सारे के सारे लीक्स थे, तो ऐसा हो सकता है कि स्पेसिफिकेशन बहुत सारे इसमें से गलत भी हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ऑथेंटिसिटी ये सारे स्पेसिफिकेशन का नहीं दूंगा, बट हाँ ऐसे लिस्टिंग्स पे पकड़ा गया है प्रोसेसर वगैरह और डिस्प्ले वगैरह, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो बस यही जानकारी थी जो आपको देना चाहता था Vivo V25 सीरीज रिगार्डिंग। तो बस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे किसी ऐसे ही एक और नई वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, बाय।